नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जय अकाडमी में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आज पेट का विज्ञापन जारी हो गया है, अर्थात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी से इसका विज्ञापन आज जारी हो गया है 2020-21 का। तो इसके बारे में विस्तृत बात होगी दोस्तों, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सारी अपडेट्स, सारी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें। लेकिन उसके पहले ये भी बात करना है कि कोविड को देखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का देखभाल रखें, क्योंकि जो है जान है तो जहान है। फिर भी चलिए, एक बहुत बड़ा अवसर सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त हो गया है। पेट के तहत बहुत बम्पर वैकेंसी, लगभग 50,000 पदों का विज्ञापन जो है इसमें ऐड किया जाएगा, पदों को लेकर के उसी के तहत जो है पेट एग्ज़ाम को कराया जा रहा। तो इसका विज्ञापन आज ही तत्काल अभी जारी हुआ है दोस्तों, उसी के बारे में हम बात करेंगे। पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2020-21, तो उसका मूल विज्ञापन हम आपको दिखा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन इसका प्रारंभ 25/5/2021, जी हाँ, 2020-21 जो है ये आप देख रहे हैं। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ करने की तिथि 25/5/2021 है। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 21 जून 2021 है। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है 28 जून 2021। तो ये रही बात दोस्तों डेट को लेकर के, कि आवेदन कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, शुल्क कब जमा करना है। तो समय रहते आप आवेदन ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा अवसर है इस कोरोना जैसी महामारी के दौर में आपको एक इस तरह की वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें बम्पर पदों को अच्छे पद रहेंगे इसमें जो है, जिसमें 4200 ग्रेड पे से नीचे के सारे पद रहेंगे, अरे 4600 ग्रेड पे के नीचे, जिसके बारे में सारी बातें होंगी। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट हेतु आयोग की वेबसाइट जो है UP888.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे। कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 26 मार्च 2021 के अंतर्गत ये इस आशय की सूचना प्रकाशित की गई थी कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके आवेदन करने हेतु एक बार की पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा, परंतु इस संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बार की पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी गई। तो ये रही दोस्तों जो है बात, ऑनलाइन आवेदन की अवधि जो है 21 जून 2021 की मध्यरात्रि रहेगा। ये अर्हता क्या है इसमें, इसमें जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। अर्थात जितने विभाग हैं उसमें जो है जो पद वैकेंट हैं ग्रुप सी के, उन सभी के लिए जो है उसमें आपको नौकरी अगर चाहिए तो इसमें आपको आवेदन करना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार के अनुसार मेरिटवार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा। अर्थात जो प्री में नहीं बैठेगा वो मेंस नहीं दे सकता है और सिलेक्शन से वो वंचित रहेगा। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम या स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात प्री एग्जाम पास कर लेना ही नौकरी पाने के हकदार आप नहीं होंगे। तो ये रही बात दोस्तों जो है इसके बारे में। आगे जो है इसमें यह है कि आयोग की परिधि में आने वाले कौन कौन से पद,
तो इसमें एक महत्वपूर्ण ये जानकारी रखें कि ग्रुप सी के सारे पद हैं और ग्रेड पे 4600 से कम वेतनमान वाले सारे पद जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में ये निर्दिष्ट किया गया। विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अध्याचनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग की ओर से प्रकाशित होने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम स्कोर प्रभावी होगा। शैक्षिक अर्हता जो है इसमें हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई दोस्तों, और हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। अर्थात हाई स्कूल से नीचे के अगर कोई पद है तो उसके लिए अलग से आपका विज्ञापन निकलेगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और जो है स्पेशल कैटेगरीज के लिए जो छूट है वो इसमें दिया गया है, आरक्षण भी लागू ही रहेगी। चलिए बात करते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हित पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर 20/2/2021 को अपलोड किया जा चुका है। अर्थात इसके पहले जो निकला हुआ था पेपर में आयोग की वेबसाइट पे जो आया था वही जो है पैटर्न रहेगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है जैसा कि पहले होता आ रहा है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। स्कोर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम की आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। अर्थात ये स्कोर आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। अब आवेदन दोस्तों ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन करने में आपको है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म, फीस का भुगतान करना है फिर उसके बाद, और फिर फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। आयोग की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डिटेल्स पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आपको फुल मिल जाएगा। जो है आवेदन की प्रक्रिया जो है आप डिटेल पढ़ लें ज़रूर उसको जो है डाउनलोड करने के बाद, और उसी के तहत जो है आप आवेदन करें कि उसमें कोई त्रुटि ना हो जिससे आप अपने अवसर को गंवा आपका चला जाए जो है किसी तरह। तो ये सारी बातें हुई दोस्तों, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ जो है, और सारी चीज़ आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर लें जिससे आपको कोई असुविधा ना हो और जानकारी में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कोई संशय है तो ज़रूर लिखें जिससे आपको कोई समस्या सुविधा हो तो हम उसमें आपका सहयोग कर सकें। रही बात दोस्तों फीस की, तो अनारक्षित के लिए 160 रुपये हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, टोटल मिला के 185 रुपये अनारक्षित का है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 185 है, SC का 95, ST का जो है 95 है, विकलांग के लिए 25 रुपये। तो इस तरह आप आवेदन करें, ये बहुत ही अच्छा अवसर है एक गवर्नमेंट जॉब पाने का और ठीक ठाक जो है पद सभी विभागों में जो खाली होंगे। ग्रुप सी का मतलब ये है अगले प्रमोशन में आप अच्छे पद पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं कि ग्रुप सी ही आप बने रहेंगे। आज अगर आप ग्रुप सी में सिलेक्शन ले रहे हैं तत्काल तो आप प्रमोशन पाते हुए अच्छे सम्मानजनक पद पे आप पहुंच जाएंगे, फिर भी ग्रुप सी ही अपने आप में एक सम्मानजनक पद है। तो चलिए बात दोस्तों इसमें पाठ्यक्रम की कर लेते हैं।
उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, अवधि जो है 2 घंटे की होगी, पूर्णांक 100 नंबर का होगा। अब किस किस टॉपिक से क्या आना है सब क्लियर है इसमें। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल से 5 अंक का आपका आएगा। 5 अंक में ही आपका है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, अर्थात हिस्ट्री से जो है आपका एक सामान्य हिस्ट्री जो है आपको उसे 5 अंक। राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर। इसी तरह जो है भूगोल में 5 नंबर आएगा, इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, नदी घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर आपका आना है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार, और 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। तो ये हो गया आपका दोस्तों जो है अर्थव्यवस्था से 5 नंबर, भारतीय संविधान से 5 नंबर, सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक रसायन जीव जो है 5 नंबर रहेगा। अंकगणित भी आना है इसमें, सामान्य अंकगणित, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित, ये समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये 5 नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी में ये भी जो है 5 अंक, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएँ। और अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न, और रीजनिंग का आपका जो है 5 नंबर, करंट का आपका 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस में 10 नंबर, अपठित हिंदी गद्यांश, विवेचन, विश्लेषण, 2 गद्यांश रहेगा, 10 नंबर का जो है, ग्राफ की व्याख्या 10 नंबर, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएँ 10 नंबर, क्रम संख्या 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा, यह ध्यान देने की बात है, 1/4 अंक की कटौती की जाएगी गलत उत्तर के लिए। तो दोस्तों ये रही बात पूरे विज्ञापन को लेकर के, तो मेरी शुभकामनाएं हैं पेट के एग्जाम को आपको जो है ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी में लग जाए। सिलेबस भी आपको मिल गया है, पैटर्न भी पता चल गया है, एग्ज़ाम भी इसका जो है आप ये मान के चलें सितंबर तक, जहाँ तक संभावना है, हो भी जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, वीडियो में आपसे बात होगी। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कुशल मंगल रहें, कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।